दोस्तों, आपने हिप्नोटाइज का नाम तो सुना होगा और ये कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है आपको मूवी देखकर पता चल जाएगा। इस मूवी में भर भर के सस्पेंस दिखाया गया है। मूवी का नाम है हिप्नोटिक, जो 2023 में रिलीज हुई है। तो एंड तक बने रहें और मूवी का मजा लें। मूवी की शुरुआत में हम डिटेक्टिव डैनी रुड्की को देखते हैं। ये इस समय एक थेरेपिस्ट के पास बैठे हैं। वो इसे हिप्नोटाइज करके पूछती है कि तुमने लास्ट बार अपनी बेटी को कहाँ देखा। डैनी बताता है कि वो पार्क में खेल रही थी, मेरा थोड़ा सा ध्यान भटका और वो मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। कोई उसे मेरी आंखों के सामने से ही अगवा करके ले गया। तभी डैनी के पास उसके साथी निक्स का मैसेज आता है और वो उसे अपनी ड्यूटी के लिए बुलाता है। फिर जब डैनी लिफ्ट में जाता है तो वो अपनी वाइफ और बेटी की पिक्स देखता है। दरअसल उसकी बेटी 18 साल के लड़के ने अगवा कर ली और जब उसे पकड़ा गया तो उसे किडनैपिंग के बारे में कुछ भी याद नहीं था और सबूतों के अभाव में उस लड़के को बरी कर दिया गया। बस यही बात सोच सोच के डैनी का दिमाग अक्सर खराब रहता था। फिर वो उस बिल्डिंग के बाहर आता है जहाँ उसका साथी निक उसे लेने आया था। वो बताता है कि हमें एक अनजान कॉल आई थी, उसने हमें बताया कि द बैंक ऑफ ऑस्टिन में आज रोबरी होने वाली है और चोरों का लक्ष्य है लोकर नंबर 23 चुराना है। निक बताता है कि बैंक ऑफ ऑस्टिन की दूसरी शाखाओं में भी चोरी हुई है, वे कोई पैसा नहीं चुराते, सिर्फ और सिर्फ लोकर नंबर 23 ही चुराते हैं। डैनी का भी लोकर उसी बैंक में था। अब वे दोनों अपनी पूरी टीम के साथ बैंक के बाहर घात लगाकर बैठ जाते हैं ताकि चोरों को पकड़ सके। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर बेंच पर बैठ जाता है। फिर एक लेडी फोन पर बात करती करती वहाँ बैठ जाती है। डेल नाम का ये आदमी उसे हिप्नोटाइज कर लेता है और कहता है कि आज जानलेवा गर्मी है। फिर वो बाहर खड़े गार्ड्स को भी कुछ कहता है और वहाँ से चला जाता है। डैनी बिना समय गवाए अपनी वैन से बाहर आ जाता है और भाग कर बैंक में चला जाता है। निक उसे रोकता है कि ऐसा मत करो। डैनी बैंक मैनेजर को कहता है कि मुझे मेरा लॉकर खोलना है। वो लेडी जिसे डेल ने हिप्नोटाइज किया था, उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आज सच में बहुत गर्मी है और वो अपने पूरे कपड़े उतारने लगती है। उसके चक्कर में एक्सीडेंट भी हो जाता है। उधर डैनी लॉकर में जाता है तो मैनेजर कहता है कि मैं अपनी चाबियां ऑफिस में भूल आया, अभी लेकर आता हूँ। लेकिन उसकी चाबियां तो डैनी ने चुरा ली थी। उसके जाने के बाद डैनी लॉकर नंबर 23 खोलता है और उसके अंदर से उसे अपनी बेटी मिनी की तस्वीर मिलती है। डेल बैंक के एक कर्मचारी को हिप्नोटाइज करके लॉकर निकालने के लिए भेजता है। वो डैनी के रोकने पर भी नहीं रुकती। इतने में वहाँ पर हिप्नोटाइज किए हुए गार्ड्स आ जाते हैं और डैनी के ऊपर फायर कर देते हैं। फिर वो लेडी बॉक्स लेकर एक ट्रक में बैठ जाती है। उस समय निक और उसके साथी एक्सीडेंट वाली जगह पर व्यस्त थे, लेकिन वो ट्रक भी पलट जाता है। फिर डेल उसके अंदर से बॉक्स लेता है और बॉम्ब लगाकर उस ट्रक को उड़ा देता है। लेकिन डैनी डेल का पीछा करता है। उसके बाकी सभी साथी भी वहाँ आ जाते हैं। वे सब भागकर छत के ऊपर चले जाते हैं। डेल डैनी के दो साथियों को हिप्नोटाइज कर देता है और वे डैनी पर ही गन तान देते हैं। डैनी पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है। डेल कहता है कि ये फोटो मुझे दे दो। फिर डेल के आदेश पर वे दोनों डिटेक्टिव एक दूसरे को गोली मार देते हैं और डेल छत से नीचे कूद जाता है। जब डैनी नीचे देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर डैनी निक से पूछता है कि उसके लॉकर में मेरी बेटी की तस्वीर कैसे आई। निक कहता है कि तुम फेमस डिटेक्टिव हो, मुझे लगता है कि कोई तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहा है, शायद अपने ही लोग उसके साथ मिले हों। फिर रात को निक डैनी के पास फोन करके बताता है कि मुझे पता चल गया है कि वो बैंक रोबरी वाली न्यूज हमें किसने दी थी। उस लेडी का नाम डायना क्रूज है। फिर डैनी उसकी शॉप पर जाता है। उस समय वो किसी पहलवान का ट्रीटमेंट कर रही थी। डैनी कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। डायना उस बॉडी बिल्डर को हिप्नोटाइज कर लेती है और डैनी को बताती है कि तुम्हारे जाने तक वो बाहर ही रुकेगा। डैनी पूछता है कि तुम्हें उस रोबरी के बारे में कैसे पता चला। डायना पूछती है क्या तुमने उस रोबरी में किसी को गिरफ्तार किया है। डैनी मना कर देता है। फिर डायना कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत है, अभी की अभी यहाँ से निकलो। बाहर डेल आकर उस बॉडी बिल्डर को हिप्नोटाइज कर लेता है। फिर वो अपनी बाइक को लेकर उस दुकान के अंदर घुसा देता है और खुद की जान ले लेता है। फिर डैनी डायना को एक बंद पड़े पुलिस स्टेशन में लेकर जाता है, जिसे आजकल वे पर्सनल यूज करते हैं। डैनी पूछता है यहाँ चल क्या रहा है, समझाओगी। डायना कहती है कि वो आदमी हिप्नोटाइज कर देता है। वहाँ बैंक में जो कुछ भी हुआ वे उसके साथ मिले हुए नहीं थे, बल्कि उन सबको हिप्नोटाइज किया गया था। हिप्नोटाइज में हमारी खुद की सोच खत्म हो जाती है और हम हिप्नोटाइज करने वाले का ही कहना मानने लगते हैं। उस समय हमें चीजें नॉर्मल नहीं दिखती। मैं भी हिप्नोटाइज कर लेती हूँ, निक कहता है कि मुझे करके दिखाओ। फिर वो निक को बैठने के लिए कहती है और निक उसका कहना मान लेता है। वो कहती है कि तुम एक कैदी हो। फिर निक कैदियों जैसे रोने लगता है। फिर डायना कहती है कि निक तुम्हें ताजी हवा की जरूरत है और निक बाहर ताजी हवा खाने के लिए चला जाता है। डायना कहती है कि मैंने तुम पर भी ये जादू अजमाया था
लेकिन इसने तुम पर काम नहीं किया। उस समय डेल निक को हिप्नोटाइज कर लेता है। डायना बताती है कि कुछ साल पहले एक डिवीजन बना था, इसे अमेरिकी सरकार द्वारा रन किया जाता था। इसमें हम जैसे हिप्नोटाइज करने वाले लोग शामिल थे। आमतौर पर सरकार खुद के फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करती थी। डैनी कहता है कि मुझे डेल के बारे में बताओ। डायना कहती है कि वो लेजेंड है, हिप्नोटाइज के मामले में उससे शक्तिशाली कोई भी नहीं, हम तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। डेल को अपनी शक्तियों का अहंकार हो गया था और उसने डिवीजन पर कब्जा करने की कोशिश की, फिर सरकार ने उसे रद्द कर दिया। डेल अपने अलावा सभी हिप्नोटाइज करने वालों को खत्म करना चाहता था और मेरा यकीन करो, उसे पकड़ना नामुमकिन है। इतने में वहाँ लाइट बंद हो जाती है, वहाँ निक्स आया था। डायना बताती है कि डेल ने इसको हिप्नोटाइज कर लिया है और मैं इतनी शक्तिशाली नहीं हूँ कि उसके हिप्नोटाइज को काट सकूं। डैनी उसे रुकने के लिए कहता है और जब वो नहीं रुकता तो डैनी उसके पाँव में गोली मार देता है, लेकिन वो किसी भी तरीके से डायना को मारना चाहता था। डैनी उसे हथकड़ी लगाकर सलाखों के साथ बांध देता है, लेकिन निक्स फिर भी नहीं रुकता और अपना हाथ तोड़ने की कोशिश करता है। डायना को पता था कि ये रुकने वाला नहीं है, इसलिए वो उसे शूट कर देती है। अपने साथी की मौत पर डैनी को बहुत अफसोस होता है। अब वे दोनों पुलिस से छुपते फिर रहे थे क्योंकि डायना की एक गलती के कारण वे मुजरिम बन गए थे। वे एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। डैनी कहता है कि वो बैंक में मेरी बेटी की फोटो लेने आया था, मुझे नहीं पता वो इसका क्या करेगा, किसी ने तो इस फोटो को लॉकर में रखा ही होगा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इतने में वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है। वो दोनों को देखकर अपनी गन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन डायना उसे हिप्नोटाइज कर लेती है। फिर वो अपने साथियों को फोन करके बताता है कि मैंने उन दोनों को दक्षिण की तरफ जाते देखा है। जब डैनी और डायना वहाँ से जाने लगते हैं, तो पुलिस वाले के वॉकी टॉकी पर डेल की आवाज आती है। वो कहता है कि मुझे पता है वे दोनों वहीं पर हैं। फिर वे बाहर जाकर देखते हैं तो डेल दो पुलिस वालों को लेकर वहाँ आया था। फिर डैनी वहाँ से भाग जाता है और वे उसका पीछा करने लगते हैं। डैनी भागकर रेलवे ट्रैक पर चला जाता है और गाड़ियों के बीच छुपने की कोशिश करता है, लेकिन डेल उसका हर जगह पर छिपना मुश्किल कर देता है। तभी डैनी को महसूस होता है कि डेल ने शायद उसके ऊपर हिप्नोटाइज करने की कोशिश की है, क्योंकि उसे सब कुछ अजीब दिखने लगा था। इतने में वहाँ पर डेल और दो पुलिस वाले आ जाते हैं। वे डैनी को मारने ही वाले थे कि वहाँ पर डायना आ जाती है। इतने में डेल गायब हो जाता है। डायना डैनी को अपने ट्रक में बिठाकर वहाँ से ले जाती है। डायना बताती है कि जब कोई आपके ऊपर हिप्नोटाइज करता है तो आपका मन खुद बे खुद वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है जो हिप्नोटिक चाहता है, लेकिन तुम्हारी बात अलग है। तुम्हारे पास एक मानसिक ब्लॉक है, ये एक ऐसी तिजोरी है जिसके ऊपर ताला लगा है और कोई भी इससे आपके मन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता। ये ब्लॉक किसी चोट से भी आ सकता है, फिर चाहे वो आपके दिमाग पर लगी हो या आपके दिल पर। शायद आपकी बेटी ही आपका सपोर्ट है। मैं तो आपको हिप्नोटाइज नहीं कर पाई, लेकिन डेल जरूर कर सकता है। फिर वे जेरेमी नाम के एक आदमी के पास जाते हैं, उसी ने डायना को हिप्नोटाइज करना सिखाया था। फिर वे उसके पास जाते हैं और उससे कुछ जानकारियां लेने की कोशिश करते हैं। डैनी उसे अपनी बेटी के बारे में पूछता है और कहता है कि हमें अब तक इसका जवाब नहीं मिला कि मेरी बेटी की फोटो लॉकर में क्या कर रही थी। फिर डेल कहता है कि मुझे दिखाओ कौन है तुम्हारी बेटी, लेकिन डायना उसे फोटो देने से इनकार कर देती है क्योंकि उसे शक हो गया था कि ये जेरेमी नहीं बल्कि डेल है। फिर वो उन दोनों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वे भाग जाते हैं। अब की बार डेल ने पूरे शहर पर ही हिप्नोटाइज कर दिया था। अब हर कोई उन्हें पकड़ना चाहता था। फिर डैनी एक बाइकर को गिराता है और उसकी बाइक लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वे अब ऐसे ट्रैक में फंस चुके थे कि उन्हें कहीं भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। सब जगह ऊट पटांग चीजें ही दिख रही थी। लोग अभी भी इनके पीछे लगे थे। अब इनके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। तभी पुलिस आकर लोगों को रोकती है और उनके बीच से डेल निकलकर बाहर आता है। वो डैनी को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पुलिस वाले डेल को ही गन पॉइंट पर ले लेते हैं। डायना कहती है कि ये मैंने नहीं किया। डैनी कहता है इट्स मी। पुलिस वाले डेल को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन डैनी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, जबकि वो तो कोई ऐसी कला जानता ही नहीं है। फिर डैनी डायना को कहता है कि कोई तो होगा जो इस गुत्थी को सुलझा सके कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर डायना उसे रिवर नाम के एक बंदे के पास लेकर जाती है जो पहले डायना के ही साथ हिप्नोटाइज सिखा करता था। फिर वो बिल्लू कालिया उन दोनों को अपनी फ्रिज के अंदर बनी बेसमेंट में ले जाता है। ये बंदा हिप्नोटिक के साथ साथ एक हैकर भी था। रिवर के पूछने पर डायना उसे बताती है कि डेल का उसकी बेटी के साथ कोई न कोई तो लेना देना है और अनजाने में डैनी ने डेल के ऊपर ही काबू पा लिया। बस हमारी यही गुत्थी सुलझाने में हेल्प करो। रिवर कहता है तो चलो पता करते हैं। फिर वो डैनी की पूरी डिटेल्स खोलता है, लेकिन वहाँ पर उसकी वाइफ का कोई डेटा नहीं था। फिर डैनी उसे अपनी वाइफ का माइके का नाम बताता है और जब उसकी डिटेल खुलती है तो पता चलता है कि वो भी एक डिवीजन एजेंट थी और वो भी लेवल 4। डैनी को विश्वास नहीं होता। डैनी कहता है कि वो बचपन से मेरे साथ पड़ी है, मुझे कैसे पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद डायना नहाने के लिए जाती है और उस समय डैनी अपनी फैमिली फोटो देख रहा था। तभी एक अननोन कॉलर की कॉल आती है। फोन पर डेल था और वो डायना को मारने के लिए कहता है। डैनी कहता है भाड़ में जाओ
और फोन काट देता है। फिर वो डायना को आवाज लगाता है, लेकिन गौर करता है कि टेबल से कैंची गायब है। अब कैंची उसके हाथ में आ चुकी थी। डैनी अब खुद के दिमाग से कंट्रोल खो रहा था। उसे पता ही नहीं था कि वो अब क्या करने वाला है, लेकिन उसकी कोशिश तो ये थी कि वो डायना को कुछ भी नहीं कहेगा। डायना भी समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो उसके हाथ से कैंची ले लेती है और फिर वे आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। आधी रात को डेल की आंख खुलती है। अब वो खुद जाके बिल्लू कालिया के कंप्यूटर में चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ का असली नाम डायना क्रूज है और ये वही है जो पिछले दो दिन से उसके साथ घूम रही है। फिर वो अपने फोन के अंदर अपनी वाइफ की फोटो देखता है, उसमें भी डायना क्रूज ही थी। फिर वो कंप्यूटर में अपनी बेटी का नाम डालता है और उसे पता चलता है कि उसकी बेटी के पास एक्सट्रीम हाइपोनेटिक एबिलिटीज थी। तभी वहाँ पर डायना आ जाती है। डैनी कहता है कि मेरी बेटी कहाँ है, तुमने उसे कहाँ छुपा रखा है। डायना कहती है मैंने नहीं, तुमने उसे छुपाया है। फिर डैनी को याद आता है कि डिवीजन वाले उसकी बेटी को एक्सट्रीम लेवल तक ट्रेन करना चाहते थे और वो नहीं चाहता था क्योंकि वो सिर्फ एक छोटी बच्ची थी, इसलिए उसने ही अपनी बेटी को गायब कर दिया। डैनी समझ गया था कि उसके साथ अब तक जो भी हो रहा था वो सब एक धोखा था। हकीकत में तो वो डिवीजन के मेंबर से घिरा हुआ था। आज तक उसने जिसको भी देखा सब इन्हीं के मेंबर थे, उसका दोस्त निक्स, बैंक की कर्मचारी या उसके साथ काम करने वाले सभी डिटेक्टिव, सबके सब इन्हीं के मेंबर थे। जब डैनी ने अपनी बेटी को छुपाया तो उसे पता था कि ये लोग हिप्नोटाइज करके उससे उसकी बेटी का एड्रेस उगलवा लेंगे, इसलिए उसने अपने मन को ऐसा लॉक लगाया कि कोई और तो क्या, उसे खुद भी याद नहीं था कि उसकी बेटी कहाँ है। तभी वहाँ पर डेल आ जाता है। वो बताता है कि हम पिछले 4 साल से बार बार यही कहानी दोहरा रहे हैं कि शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए और तुम बता दो कि मिनी कहाँ है। मैं तुम्हारी बेटी को हम सबसे ऊंचे लेवल की ट्रेनिंग दूंगा। लेकिन डैनी वहाँ से बाहर जाने लगता है। बाहर जाकर उसे हर उस जगह का सेटअप दिखता है जहाँ जहाँ वो अब तक गया था। फिर वहाँ डेल आता है। वो कहता है कि हम 12 बार तुम्हारे साथ ये दोहरा चुके हैं, लेकिन तुम्हारे जितना स्ट्रॉन्ग माइंड मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। जब भी हम किसी निष्कर्ष तक पहुंचने वाले होते हैं तुम्हें सब कुछ पता चल जाता है। डायना कहती है कि प्लीज बता दो मेरी बेटी कहाँ है। डैनी कहता है कि 12 बार में अगर तुम्हें पता नहीं चला तो तुम 13वीं बार के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तो नहीं बताने वाला। फिर वे उसे बेहोश करके वापिस अंदर ले जाते हैं। वहाँ डायना आती है और अपनी चिकनी चुपड़ी बातें करके उससे अपनी बेटी के बारे में पूछने की कोशिश करती है, लेकिन डैनी कहता है कि भाड़ में जाओ। वे फिर से 13वीं बार ट्राई करते हैं। सब कुछ एकदम पहले जैसा होने लगता है। वही बेटी को अगवा करने वाली बातें उसके दिमाग में डाली जाती है। फिर से वही सीन आते हैं जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाए गए थे। सब कुछ एकदम वैसे का वैसा, लेकिन इस बार डैनी बिल्कुल होश में था। वो सब कुछ वैसा दोहराने का नाटक कर रहा था और जब उसे बैंक के बाहर डेल का पीछा करना था तो वो उसका पीछा ना करके वहाँ से वैन लेकर भाग जाता है। फिर सब लोग उसका पीछा करने लगते हैं। डेल कुछ आदमियों को लेकर हेलीकॉप्टर में बैठकर उसका पीछा करता है। डैनी जंगल में बने हुए एक घर के अंदर जाता है जहाँ उसके मोम डैड रहा करते थे। उसने अपनी बेटी को वहीं पर छुपा रखा था। डैनी के मोम डैड के बारे में डायना को भी नहीं पता था। भाई साहब, बंदा हो तो ऐसा जो किसी को अपने राज नहीं बताता। जब डैनी उस घर के अंदर जाता है तो वहाँ अपनी बेटी मिनी से मिलता है, लेकिन इतने में डेल और उसकी टप्पू सेना वहाँ आ जाती है। डेल के मोम और डैड उसे कहते हैं कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कहाँ घुसे आ रहे हो। डायना कहती है आप जो भी हो हमारे बीच में मत आइए, लेकिन डेल बातें करने के मूड में नहीं था और इशारा करके उन दोनों को मारने का ऑर्डर देता है। उनके मरते ही डैनी बाहर आता है और कहता है कि क्या तुम वही औरत हो जिसको मैंने प्यार किया था, क्या हमारी बेटी को भी यही सिखाना चाहती हो। तभी घर के अंदर से मिनी बाहर आती है। डायना उससे मिलकर बहुत खुश होती है। मिनी कहती है कि वापिस सुधरने के लिए मुझे आप पर गर्व है, मैं आपको इन सब से आजाद कर रही हूँ। फिर वो इशारा करती है और सभी एक दूसरे को शूट करने लगते हैं। मिनी इन सबसे ज्यादा पावरफुल थी। डेल खड़ा खड़ा देखते ही रह जाता है। दरअसल ये मास्टरमाइंड डैनी का ही प्लान था। वो अपने 13वें ट्रायल के दौरान पूरी डिवीजन को यहाँ पर लाना चाहता था ताकि एक साथ सबको खत्म किया जा सके, और इसका ये प्लान कामयाब हो जाता है। फिर वहाँ पर डैनी की असली मॉम डैड आते हैं। जो पहले वाले थे वो सब आंखों का धोखा था। मिनी ने उस समय डायना को उसके ही मन के अंदर बांध कर बिठा दिया था ताकि वो किसी भी तरह की दखलंदाजी ना कर सके। मिनी ने अकेले ही पूरे डिवीजन का सफाया कर दिया और ऐसा करने के लिए उसे घर के अंदर डैनी ने ही कहा था। डेल के मरते ही डायना भी उसके स्ट्रॉन्ग हिप्नोटाइज से बाहर आ चुकी थी। फिर डैनी, डायना, मिनी और अपनी मॉम को लेकर हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से चला जाता है और उसके डैड वहीं पर रुक जाते हैं। और बाद में हमें पता चलता है कि जो डैनी का डैड था वो तो ऑलरेडी मर चुका था और जो उसके डैड की भेष में जिंदा था वो डेल था।
दोस्तों इस मूवी में भर भर के सस्पेंस दिखाया गया है और जिस तरह से मूवी की एंडिंग हुई है मुझे पूरा विश्वास है कि इसका सेकंड पार्ट जरूर आएगा और जब भी इसका सेकंड पार्ट आया तो मैं आप लोगों के लिए उसे लेकर आऊंगा। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए। आपके हर कमेंट का मैं जवाब दूंगा। तो मिलते हैं नए दिन नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।